हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में सेट सी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमने रेफरेंस दिया था कि 1 टू 14 नंबर क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ पे देखनी है, कैसे कैसे मैंने बनाया हुआ है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम पहले बनाए हुए हैं तो हमने जस्ट रेफरेंस दिया, क्योंकि ये लंबा सोल्यूशन आएगा और बेकार में टाइम वेस्टिंग है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ़ वाई इक्वल टू 25 व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इस केस में हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, इस टाइप की क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। अब आपको यहाँ पे वाई बार कैसे निकलेगा, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। एक्स बार कैसे निकलेगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब आपको बी वाई एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई एन, यहाँ पे लास्ट में एक्स है ना तो एक्स वाली, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास डाटा जो दिया हुआ है, हमारे पास डाटा दिया हुआ है एक्स का दिया हुआ है, फिर डाटा हमारे पास वाई का दिया हुआ है। अब इस डाटा को यूज करके हम एक्स वाई निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये निकल जाएगा, एक्स बार यहाँ से आ जाएगा, वाई बार यहाँ से आ जाएगा, एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, वाई स्क्वायर वहाँ से हो जाएगा, समेशन एक्स आपको यहाँ से आ जाएगा। अब आपको निकल जाएगा यहाँ पे ये भी डाटा आ जाएगा, ये भी डाटा आ जाएगा, ये भी डाटा आ जाएगा। तो y ऑन x इक्वल टू ए मान लो 2 प्लस 3, यहाँ पे 2 प्लस 3 एक्स आ गया। तो इसमें मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आप क्या कीजिए, y इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए 25 प्लस 2 प्लस 3 एक्स, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन आया आपके पास, जो क्वेश्चन है ये, अगर मीन आपको ये दिया हुआ है, वेरिएंस आपको इतना दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और ये दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर आपको 9 दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 3 हो जाएगा, और मीन दिया हुआ है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 90। तो हम क्या निकालेंगे, एक्स ऑन वाई निकालेंगे, तो एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। अब देखिएगा यहाँ पे बी एक्स वाई क्या होता है, आर स्टैंडर्डाइजेशन एक्स स्टैंडर्डाइजेशन वाई। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 0.6 है, और एस्टिमेशन एक्स की वैल्यू कितनी है, एस्टिमेशन एक्स की वैल्यू 2 है, ये 3 है, तो एक्स माइनस एक्स बार दैट इक्वल टू 80, 0.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, वाई माइनस वाई बार, वाई बार दैट इक्वल टू 98। तो उन्होंने कहा कि जब एक्स 90 है तो वाई कितना, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे एक्चुअली y ऑन x निकालना चाहिए क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 90, तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3, ये आपको 1.2 प्लस 98 दैट इक्वल टू y, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 3 दैट इक्वल टू 30 डिवाइड 1.2 25 प्लस 98 123। तो आई थिंक इसको ना वाई ऑन एक्स निकालना है, जो वैल्यू निकालना है यहाँ पे वाई ऑन एक्स निकालना पड़ेगा, वाई ऑन एक्स। एनीवे आप इस तरह निकाल सकते हैं, यहाँ पे वाई ऑन एक्स निकालिएगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन करनी है वो इक्वेशन निकालनी होती है। तो y ऑन x कैसे निकलेगा, y ऑन x, तो y ऑन x निकलता है y माइनस वाई बार
बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार तो आपको दिया हुआ है वाई माइनस कितना निकला हुआ है, वाई बार निकला हुआ है 98। यहाँ पे 98 और बी वाई एक्स मीन्स बी वाई एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, बी वाई एक्स को हम लिख सकते हैं बी वाई एक्स आर एक्सटेंडेशन वाई एक्सटेंडेशन एक्स, तो ये हो जाएगा 0.6 एक्सटेंडेड डिवीजन वाई 3/2, तो 0.6 इंटू 3/2 एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स के प्लेस पे 90 दिया हुआ है, एक्स बार कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो इसके प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं देखिएगा 10 इंटू 3 इंटू 0.6 डिवाइड 2 प्लस 98 107, तो इसका आ जाएगा y इक्वल टू 107 हो जाएगा यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर कितनी है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट आंसर है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये इस तरह बनाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे y निकालनी है, तो y निकालने के लिए y on x, अगर x निकालना होता तो x on y निकाल लेते, और ये पहले पहले ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है ये क्वेश्चन में, फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ ए करस्पॉन्डिंग द प्राइस ऑफ दिस इज दिस गिवन, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है आपको 18.17 पेज 18.32 में है, ठीक है बेटा। अब आपको आगे आ जाइए, ये क्वेश्चन है, टू रेग्रेशन लाइन्स आर गिवेन दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वे वट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स आपको 25 दिया हुआ है, मीन्स आपको स्टैंडर्ड एक्स का स्क्वायर आपको 25 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एक्स आपको कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालनी है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, किसी को इसको y on x मानना पड़ेगा, इसको x on y मानना पड़ेगा, और ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना पड़ेगा और इसमें वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनाया गया है, यहाँ पे y on x मान के कैसे बनाया गया है दिस, तो बी वाई एक्स इक्वल टू ये x on y माना गया तो इसको बनाया गया, ये इतना आ गया, r इक्वल टू ये आपको माइनस 0.5 आ गया, बी वाई एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, तो एक्सटेंडेशन वाई है, यहाँ पे एक्सटेंडेशन वाई आपको कितना आ जाएगा 8 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन, यहाँ पे मीन दिया हुआ है, सेम एक ही टाइप की क्वेश्चन हमेशा आ ही जा रहा है, आपको यहाँ पे मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, द सम ऑफ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर द अबव डाटा, तो आप दोनों से बी एक्स वाई निकाल लीजिए, बी एक्स वाई आर एक्सटेंडेशन एक्स एक्सटेंडेशन वाई हो जाएगा, बी वाई एक्स एक्सटेंडेशन आर एक्सटेंडेशन वाई एक्सटेंडेशन एक्स हो जाएगा, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ये हो गया, ये हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये करने पर इतना, ठीक है बेटा। अब आप आए थे ये क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ डेविएशन एंड सेल्स प्रोडक्शन आर गिवन, द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द दिस एंड दिस, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालनी है, तो सेम पहले जैसा है आपको एग्जांपल पेज 18.13 क्वेश्चन नंबर 14 में बनाएंगे, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालनी है, कोवेरियंस एक्स वाई रूट अंडर वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई दैट इक्वल टू एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर, ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है। एक को हम x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे,
यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एक्स वाई निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, वाई स्क्वायर निकल जाएगा। और सिंप्लीफाई करके बनाएंगे, कुछ माइनस करके बनाएंगे, यू भी में चेंज कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किया हुआ है मैंने, ठीक है ना बेटा। तो ओके, थैंक यू क्लास, सारी क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट क्लासेज में हम दूसरा चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।